अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा है और आज हम अपने सोलर सिस्टम के लेक्चर सीरीज़ जो हमारी चल रही है उसमें आज हम वेनस डिस्कस करेंगे। वेनस का दूसरा नाम व्हील प्लैनेट भी है, तो व्हील प्लैनेट का मतलब भी आपको समझाएंगे आज की इसी वीडियो के अंदर। फर्स्ट पॉइंट है जी वेनस के बारे में। वेनस इज सराउंडेड बाय थिक क्लाउड कवर, यानी जो वेनस है इसको घेरा हुआ है बादलों के एक मोटे कवर ने, इसीलिए हम इसको व्हील्ड प्लैनेट कहते हैं। द क्लाउड आर मेड ऑफ डेडली सल्फ्यूरिक एसिड, यानी जो हम इस प्लैनेट के जो क्लाउड हैं, जो बादल हैं, वो डेडली सल्फ्यूरिक एसिड के बने हुए हैं। इट इज़ ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे जो रोशन प्लैनेट है और सबसे जो गर्म प्लैनेट है वो वेनस है। इट इज़ दी मोस्ट इनहॉस्पिटेबल प्लैनेट। अगर हम इसके एटमोसफेयर की बात करें तो वेनस हैज़ ए थिक एंड टॉक्सिक एटमोसफेयर कम्पोज्ड मोस्टली ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे ऑलरेडी हम थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ भी चुके हैं पिछली स्लाइड में, कि जो इसका एटमोसफेयर है बेसिकली वो एक क्लाउड पर मुश्तमिल है, यानी उस क्लाउड के कवर के ऊपर मुश्तमिल है। वेनस हैज़ ए थिक एंड टॉक्सिक एटमोसफेयर, इसका एक मोटा और टॉक्सिक एटमोसफेयर है जो कि बना हुआ है ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड का, और इसमें वो कह रहा है विद क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जिसके साथ मिक्स हैं जी बादल सल्फ्यूरिक एसिड के। दिस क्रिएट्स ए स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये जो एटमोसफेयर है वेनस का, ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है, दैट मेक्स वेनस दी हॉटेस्ट प्लैनेट इन आर सोलर सिस्टम, जो हमारे सोलर सिस्टम में वेनस को जो है ना वो सबसे ज़्यादा गर्म तरीन सियारा जो है वो बनाता है, यानी इसका एटमॉस्फेयर बेसिकली वजह है इसके ज़्यादा गर्म होने की। अच्छा, अब इस प्लैनेट के का जो टेम्परेचर होता है वो कह रहा है विद सरफेस टेम्परेचर रीचिंग अप टू 450 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इसकी सतह का जो टेम्परेचर है वो 450 सेल्सियस भी हो सकता है, और फ़ारेनहाइट में देखें तो ये 832 फ़ारेनहाइट तक जो है ना ये पहुंच जाता है। अगर हम ये जो वेनस है इसकी कंपोजिशन की बात करें तो वेनस हैज़ अ डेंस एटमॉस्फेयर, इसका एटमॉस्फेयर बहुत डेंस है एंड ए प्राइमरली रॉकी कंपोजिशन, और इसकी जो कंपोजिशन है वो रॉकी टाइप है विद ए पार्शली डिफ्रेंशिएटेड इंटीरियर दैट इंक्लूड्स ए स्मॉल आयरन कोर, और इसमें ये याद रखिएगा कि इसका जो अंदरूनी हिस्सा है इस प्लैनेट का वो आयरन पर मुश्तमल है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ वेनस के बारे में कि इसका कोई चांद नहीं है, वेनस डज नॉट हैव एनी मून। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हम इनको पांच प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो है वो पूरे प्लैनेट को बयान कर सकते हैं। इट ऑर्बिट्स द सन वंस इन अबाउट 225 अर्थ डेज, यानी ये सूर्य के गिर्द अपना एक चक्कर जो है वो 225 दिनों में लगाता है। याद रखिए कि ये अपना एक साल जो है वो 225 दिनों में मुकम्मल करता है, और अपनी जो एक रोटेशन है वो 243 दिनों में मुकम्मल करता है। याद रखिए हमारी ज़मीन की जो रोटेशन है वो सिर्फ 24 घंटों के अंदर होती है, यानी दिन और रात जो है वो दोनों मिलके 24 घंटे बनाते हैं, जबकि जो वेनस है इस पे दिन और रात जो है वो तकरीबन ज़मीनी 243 दिनों के बराबर होते हैं, यानी 243 डेज लगते हैं एक दिन और एक रात जब मिलते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि जैसे हमारी ज़मीन के ऊपर दिन रात जो है वो 24 घंटों का होता है, तो वेनस के ऊपर जो दिन रात है वो 243 दिनों का होता है, यानी ज़मीनी डेज जो होते हैं, और एक ज़मीनी दिन जो है वो तकरीबन 24 घंटों पर मुश्तमिल है। तो अंदाज़ा कर लें कि वेनस का जो साल है वो छोटा होता है, जबकि उसका जो एक दिन रात का जो दौरानिया है वो ज़्यादा होता है, ये याद रखना है आपने। अच्छा जी, वेनस रीचेज इट्स मैक्सिमम ब्राइटनेस शॉर्टली बिफोर सनराइज आर शॉर्टली आफ्टर सनसेट, यानी सूर्य निकलने से पहले और सूर्य गरूब होने के बाद ये जो प्लैनेट है ये हमें ये मैक्सिमम ब्राइटनेस पे चला जाता है, इसलिए ये हमें ये मशरक और मगरब में, यानी फर्स्ट सुबह सुबह हमें मगरब मशरक में और शाम को जो है ये हमें मगरब में थोड़ा सा रेड कलर का एरिया जो नज़र आता है वो बेसिकली हमें ये वेनस की कुछ झलक नज़र आ रही होती है, इसलिए हम इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा कि वेनस को हम ज़मीन की सिस्टर या ज़मीन का जुड़वा भी कहते हैं। इसकी वजह यह है कि इसका जो साइज़ और मास है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है ना वो ज़मीन के इक्वल है। सेकंड प्लैनेट फ्रॉम द सन, यानी सूर्य से ये दूसरे नंबर पे ये प्लैनेट मौजूद है।
होप्सो के वेनस के बारे में आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।